बहुत कुछ ऐसा हो गया मेरे साथ जो मैंने सोचा ना था, बट क्या करें यार, ट्रैवलिंग लाइफ है तो होता रहता है। आई ऑल्सो प्ले दिस गेम। मेरे पास अभी ये सिर्फ 400 पैसों, सब खत्म हो गया है। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई बहुत कुछ ऐसा हो गया मेरे साथ जो मैंने सोचा ना था, बट क्या करें यार, ट्रैवलिंग लाइफ है तो होता रहता है। आपको पता है, लास्ट आपने वीडियो देखा था जब मैं था मैड मंकी के साथ, मैंने बहुत एंजॉय किया बीच पार्टी में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस बीच पार्टी में मेरा जो मोबाइल है डेड हो गया। भाई थाईलैंड के बाद मेरा फिर से मोबाइल डेड हो गया, पता नहीं कैसे पानी उसमें घुस गया, ये ऑन नहीं हो रहा, ये वर्क नहीं कर रहा है मेरे लिए। मतलब बहुत प्रॉब्लम वाली बात है ये अब, क्योंकि बिना मोबाइल के मैं क्या करूँगा यहाँ पे। अभी मुझे और फिलीपींस के अंदर कम से कम 5 दिन रहना है, या 5 6 दिन में और हूँ फिलीपींस में। ओह माय गॉड, दिस इज रियली प्रॉब्लम फॉर मी, बट दिस इज ट्रैवलिंग लाइफ, सो चलता रहता भाई, ऐसे हार मानेंगे तो नहीं चलेगा। सो मैं इन शॉर्ट बता देता हूँ आपको कि मैं जब वहाँ पहुँचा शाम को, उसके बाद मुझे हॉस्टल तो मैंने सुबह चेकआउट कर लिया था, मुझे वहाँ से निकलना था, फ़ोन काम नहीं कर रहा था ऑलमोस्ट, मेरी कैमरे की बैटरी भी मेरी डाउन हो चुकी थी सारी। उसके बाद मैं फटाफट मैं निकला, करीब 9 बजे समथिंग मैं वहाँ से निकला हूँ, और मेरे पास ना मैप है, ना मोबाइल है, ना कॉन्टैक्ट है, कुछ भी। पर मैं नेकपैन बीच से मैं आया अल नीडो। यस, मैं बहुत रिस्क लेता हूँ जब ट्रैवलिंग करता हूँ, बिकॉज कैलकुलेटेड रिस्क होता है। मुझे पता था, मुझे कॉन्फिडेंस था कि हाँ ठीक है, मैं वहाँ से आधी रात को भी आ सकता हूँ, मुझे आदत है ये। 9:30 बजे समथिंग मैं वहाँ से निकला, फिर मैं यहाँ पर आया। यस, पूछ से पूछा थे कैसे भी करके मैं यहाँ तक आ गया ड्राइविंग करके। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद मैंने हॉस्टल मेरा जो ये ढूंढा, ये होटल है, ये भाई कोई काम का नहीं है, बेकार है, बिल्कुल बेकार है, घटिया है, कोई काम का नहीं है। आप देख सकते हो ये यहाँ पे इस तरीके का ये इसका रूम है, बहुत सस्ता मैंने बुक किया था, ये बाथरूम है। इन शॉर्ट ये जो होटल है, ये ट्रैवल लॉज है, बकवास है बिल्कुल, मत बुक करना भाई। बट मुझे यहाँ पे सिर्फ एक रात रुकना था, इसलिए मैंने ये बुक किया था। क्या 400 इंडियन रुपीज में मैंने बुक किया, बहुत सस्ता बुक किया। और हाँ, मैंने जो मेरी बाइक थी वो भी मैंने जमा करा दी है, और वहीं से मैंने बुक कर लिया सुबह के लिए। तो सुबह मुझे वैन आ जाएगी लेने के लिए, और वो मुझे छोड़ देगी पोर्टो प्रिंसेसा, वहाँ से मेरी फ्लाइट है क्लाक के लिए। मैं जा रहा हूँ मनीला, सो फर्स्ट मैं जाऊँगा एंगलेस सिटी, या बिकॉज मुझे सस्ती फ्लाइट मिल गई थी तो मुझे वहाँ जाना है। ओके, वो फ्लाइट कैसे मिली, क्या मिली, मैं सब बाद में बता दूंगा, अभी जस्ट ये बता रहा हूँ कि हाँ मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ, ये होटल है बकवास है। और अब ठीक है, अलनीडो जितना थोड़ा बहुत हो सकता है, मैं अलनीडो बीच वगैरह जा रहा हूँ अभी, मुझे खाना वाना खाना है, तो मैं अलनीडो में क्या क्या है बीचेस वगैरह वो दिखा दूंगा, उसके बाद सुबह ही मिलेंगे भाई, बहुत थक चुका हूँ मैं। ये है भाई, ये देख सकते हो आप, ठीक है ना, कुछ खास नहीं है यार, कुछ नहीं, ठीक है। आपको वहाँ सस्ता चाहिए तो आप कर सकते हो, अदरवाइज मुझे पता था इसकी रेटिंग ख़राब ही थी, बट फिर भी मैंने बुक किया क्योंकि मुझे ज़रूरत थी सिर्फ रात को रुकने की, और सस्ता मिल रहा था तो कर दिया यार, 400 रुपये में क्या मिलता है। ये इस तरह का दिखता है अलनीडो, मैं आपको दिखाता हूँ, हालांकि मेरे पास बैटरी नहीं है ज़्यादा, मैं कुछ एक कुछ एक जितना थोड़ा बहुत हो सकता है मैं दिखा दूंगा। अलनीडो बेस्ट है, यहाँ बहुत से फॉरनर्स लोग वगैरह आते हैं, तो अलनीडो आप आओगे तो रियली बहुत कुछ है यहाँ पे करने के लिए। मैंने देखा यहाँ पे बीच है अच्छा खासा, उसके अलावा यहाँ पे अच्छी लाइफ है, नाइट लाइफ वगैरह भी है यहाँ पे। नेकपैन बीच फिर भी बहुत कम लोग जाते हैं, जो मैड मंकी यूज़ करते हैं ज़्यादातर वो नेकपैन जाते हैं। सो यू कैन सी दिस इज़ द अलनीडो, या अच्छा है भाई, दिस इज़ द अलनीडो बीच। अभी रात है, कुछ भी नहीं दिखेगा, किसी भी नई जगह आप जाओ वहाँ जाके आप वॉक करो, आप वॉक करोगे, ऑब्जर्व करोगे क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, तो आपको बेटर नॉलेज होगी। मुझे अभी करना है एक डिनर, उसके अलावा बता दूँ भाई, मेरे पास अभी ये सिर्फ 400 पैसों, फिर से $100 जो है मुझे एक्सचेंज करना है, बट यहाँ पे एक्सचेंज में भी हाई रेट होगी, और अभी होगा भी या नहीं होगा मैं पता करता हूँ, सुबह तक मैं अरेंज कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं, मुझे खाना ही तो खाना है। बहुत
बहुत सारे होटल हैं यहाँ पे, बहुत सारे रेस्टोरेंट है बीच के किनारे पे, और दिन में यहाँ का नज़ारा बहुत अच्छा होगा यार। और बहुत से आपको यहाँ बार्स, रेस्टोरेंट, लाइक नाइट लाइफ यहाँ पे भी है भाई। अलनीडो बहुत अच्छी नाइट लाइफ है। यू कैन सी दिस इज अ क्लब, लाइक काफ़ी अच्छी नाइट लाइफ है यहाँ पे। दिस इज कोको बार, Alnido is also a puka bar and they also have a really good life in the club. So guys, now this is the restaurant and I ordered chicken fried with rice. Guys, I also play this game. Rupees 50 and this is 50. और guys, मेरी बैटरी बिल्कुल डाउन है। उसके अलावा मेरे पास फ़ोन जो है वो मेरा डेड हो चुका है। बट दिस इज़ द अलनीडो और बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा। अलनीडो बीच हैव अ लाइफ रियली। अलनीडो आना, ज़रूर आना, द गुड लाइफ। गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और ये मेरी सुबह है और भाई ये सबसे बड़ा है अलनीडो का बस टर्मिनल। यहीं पे आपको सब तरह की बसें, सब तरह के ट्राइसाइकिल वगैरह सब यहीं पे मिलेंगे। सो गाइज, दिस इज द बस टर्मिनल ऑफ पलवान अलनीडो। और अब तक की कहानी मैं ये बताता हूँ आपको कि मैं होटल में था, जो जिनसे मैंने बुक किया वो मुझे लेने के लिए आए थे होटल पे और उन्होंने मुझे ला के यहाँ छोड़ दिया। उसके बाद मैंने $100 एक्सचेंज कराए क्योंकि मेरे पास पैसे ख़त्म हो चुके थे। सो एक्सचेंज करना भाई यहाँ बहुत टाइम लगता है, बहुत पूरी फॉर्मेलिटी कराई उन्होंने, सब कुछ फॉर्म वॉर्म भरवाया, फ़ोटो खींची कैमरे के अंदर और बहुत टाइम लग गया। मतलब उसमें यहाँ इतना ईजी नहीं है मनी एक्सचेंज करना। पालावान 500 से कराया था मैंने और अभी मैंने ये बुक करा दी, ये 500 पैसे उसमें बुक कराई थी मैंने उन्हीं से। तो बस मेरा बैग पीछे पड़ा है। नाउ वी आर गोइंग टू पोर्टो प्रिंसेसा। और मेरे पास भाई मोबाइल नहीं है, मोबाइल मेरा हो गया डेड, दिमाग ख़राब हो गया है कि मोबाइल डेड हो गया है मेरा। तो दिस इज़ रियली प्रॉब्लम फॉर मी नाउ। अगर मेरा मोबाइल सही नहीं हुआ तो भाई अभी तो मेरे टूर में पाँच दिन पड़े, बाकी 5-6 दिन है अभी, पता नहीं कैसे गुजारा होगा बिना मोबाइल के। तो यार बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। थाईलैंड में भी हुआ था लेकिन थाईलैंड में 3 दिन पहले ऑफ हो गया था, बट यहाँ तो अब 5-6 दिन पड़े मेरे पास। तो आई होप, और इससे पहले मैं चार्जर भी पिकअप करना है मुझे, जो मेरी होटल थी पोर्टो प्रिंसेसा में इनको बोल दिया मैंने ये हेल्प करेंगे वहाँ रोक के। एक बार मैं चार्जर मिल गया तो चलो अच्छी बात है, बट फिर भी चार्जर मिलने के बाद भी अगर मेरा मोबाइल काम नहीं किया, अगर इसमें पानी घुस गया तो फिर तो यार दिक्कत है। बट कोई नहीं, दिस इज़ अ ट्रैवलिंग लाइफ, चलता रहता है भाई, कुछ नहीं कर सकते अपन, कुछ नहीं कह सकते। और अभी बस अब जा रहे हैं। और दूसरी बात, मेरे पास बहुत सारा लगेज है भाई, 13 किलो है मेरे पास। और मुझे और टेंशन है कि साला वहाँ पे एयरपोर्ट पे मेरे साथ क्या होगा। एयरपोर्ट पे अगर मेरे फिर एक्स्ट्रा पैसे लग गए तो दिक्कत हो जाएगी यार, कब तक भरूँगा एक्स्ट्रा पैसे। तो देखो मैंने जुगाड़ किया है इस बार, वैसे तो इस बार मैंने काफ़ी अच्छा जुगाड़ किया है, फिर भी मैं कम करके कितना कम कर पाऊँगा मुझे नहीं पता, बट कोशिश करूँगा कि इस बार मैं पैसे नहीं लगाऊँ। पर देखो यार कुछ कह नहीं सकता क्योंकि स्ट्रिक है भाई, पूरे फिलीपींस के अंदर स्ट्रिक है, जो एयर एशिया है, सीकू पैसिफिक है, जो भी है सारे स्ट्रिक है। तो ध्यान रखना बिल प्लीज़, अगर फिलीपींस आ रहे हो भाई 7 किलो तक ही लेके आना, या फिर 7 किलो उस बैग में और एक ये छोटा सा जो मेरा बैग है इस तरह का बैग, लेकिन इसको तुलवाना मत, तुलवा दिया तो फिर वो पैसे ले लेंगे आपसे। और भाई टूर तो खैर बहुत अच्छा जा रहा है मेरा, बट ये थोड़ी सी मिस हैपनिंग हो गई मोबाइल, और इस वजह से घर से मेरा कोई कनेक्ट नहीं है। देखो घर वाले टेंशन भी कर रहे होंगे, बट मैं किसी भी तरह उनको तो मैसेज पहुंचवा दूंगा। चलो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द लाइफ यार, रुकना नहीं है मुझे। थाईलैंड में एक ही बात बोली थी, प्रॉब्लम्स होगी जब ट्रैवलिंग करेंगे, प्रॉब्लम्स तो होती है बट रुकना नहीं है, थकना नहीं है, चलते जाना है, इसी को कहते हैं ज़िंदगी। ओके गाइस, मिलता हूँ थोड़ी देर बाद।
सो गाइस अब हम रवाना हुए हैं और अभी टाइम हुआ है, लेट हो गया यार, करीब 9:30 समथिंग अभी बजे हैं और अब हम जा रहे हैं। और दिस इज द गुड न्यूज़ दैट माय फोन वर्किंग नाउ, इट इज वर्किंग, आई एम रियली लकी एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस पावर बैंक। थैंक यू सो मच ब्रदर, व्हाट्स योर नेम? रनेल। रनेल फ्रॉम फिलीपींस। फिलीपींस, व्हिच पार्ट ऑफ फिलीपींस? बतंगस। ओह बतंगस, ओह। हाय गाइस, सो अभी हम उतरे हैं यहाँ पर कुछ खाने वाने के लिए। गाइस दिस इज द ब्यूटीफुल रेस्टोरेंट। मैंने ऑर्डर किया चिकन अडोबल, दिस इज। सो भाई अभी मैं आया हूँ मेरा चार्जर लेने के लिए और इट्स हियर। ओह माय गॉड, रियली थैंक यू, रियली थैंक यू, बाय बाय। भाई मिल गया चार्जर, मजा आ गया। ओके अब सीधा एयरपोर्ट पे जा रहे हैं हम। सो गाइस कुछ इस तरह की लाइन है डिपार्चर की, यार बहुत लंबी लाइन है, तो बहुत ज़्यादा लंबी लाइन है, अब क्या करें, लाइन में लगना पड़ेगा। भाई 2 बज गए, 1.5 घंटा बचा है सिर्फ मेरी फ्लाइट में, अभी इतनी बड़ी डिपार्चर लाइन, ओह माय गॉड, देखो भाई क्या होता है। और अभी हम जा रहे हैं क्लार्क एंगले सिटी, इसको कह सकते हैं बढ़िया रूम है, काफ़ी स्टैंडर्ड है, तो एंगले सिटी भी समझ लो आप फिलीपींस का पटाया है। आप यहाँ इस रोड पर चल जाओ बस, फिर आपको खूब सारी लड़कियाँ मिलेगी। दिस इज द बलूट, एंड व्हाट इज बलूट, अगर आप खाओगे तो ये वायग्रा का काम करता है भाई, ये मैंने पहली बार सुना है।